हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ब्लॉग FZS पे बनेगा। आगे शादी उदी कर सकते हो। देखो यही मंदिर है, यहाँ पे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह भी कर सकते हो। और फिर देखो ये मंदिर है, यहाँ शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह कर लो। और यहाँ बगल में होटल है, वहाँ खा पी लो और फिर चलते हुए जा लो आगे से। फिर आपको दिखेगा RTO जो नया बना है, वो RTO है। यहाँ तो शायद बस स्टैंड भी आने वाला है, गांधी मैदान वाला। तो ये चचा को पता नहीं क्या खाज हो गया है, City 100 लेके दौड़ रहे हैं। तो हम भी अपना गाड़ी चला रहे हैं 20-25 के स्पीड में, 50-60 चलते रहो, FZS का मज़ा है। तो चलते चलते जा रहे हैं। अब देखिए दिख जाएगा सामने सीधा रोड, RTO चल जाता है। और नया वाला बस स्टैंड आने वाला यहीं पर, कब आता है पता नहीं। तो यहाँ से हमको राइट लेना है और लेफ्ट चल जाता है एयरपोर्ट, सीधा RTO ऑफिस। चचा को देखो अच्छा से बैठे हुए भी नहीं है, तो एक छोटा बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा से बैठ जाइए चचा जी, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से अपना मुड़ते हुए फिर ये शायद ITI है, गर्ल्स वाला पता नहीं क्या है, ITI है। तो ITI पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये देखो स्कॉर्पियो मस्त लगता है यार, एकदम दिल से। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग कर दो। उसके बाद ये शायद ये भी घूम फिर के आपको वहाँ पड़ाव पे निकाल देगा, पड़ाव पे नहीं सॉरी जगदेव पथ, महुआ बाग बोलता है शायद, वही का रास्ता है। तो जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आप लोग भी चलते रहिए। तो चलते चलते अभी पहुँचेंगे फुलवारी फाटक के पास। तो फुलवारी फाटक पार करने के बाद सीधा वहाँ पे थोड़ा जाम रहता है, हमेशा जाम ही रहता है, कभी कभी जाम नहीं मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए जर्नी, आज का जाम नहीं है। तो आज हम लोग चल रहे हैं फुलवारी फाटक पार कर रहे हैं। देखो खुला हुआ है, जब ये गिर जाता है तो लंबा चौड़ा जाम लग जाता है। अभी खुला हुआ है तो हम आराम से पार कर जाएंगे, थोड़ा सा जाम मिलेगा आगे, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, उतना तो है नहीं। तो चलिए चलते हैं,
लुआड़ी फाटक पार कर गए। चलो अब पड़ाव पे पहुंच गए, यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड में चलते हैं। रॉन्ग साइड के बाद फिर हम लोग को लेफ्ट ले लेंगे, फिर अपना साइड आ जाएगा। ओ सॉरी अंकल जी, आ गया गाड़ी, एक्सीडेंट भी हो गया था यार इस गाड़ी। अंकल जी कुछ बोले नहीं, तो थैंक यू बोल अंकल जी, थोड़ा सा सट गया था। तो इतना तो चलता है, इतना जाम में गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो इसके बाद यहाँ से ही लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके फिर सीधा अपना निकल जाएंगे अपने रोड में, ये पहुंच जाएंगे फुलवाड़ी। तो मिलते हैं फुलवाड़ी के बाद, ये निकलने दो, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। तो कलेक्टर वाले भाई रुक जाइए, यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे फुलवाड़ी थाना गोलम्बर। तो वहाँ से दो रास्ता एम्स के लिए जाता है, एक तो ये देखो लहरिया, ये भी अंकल एक ही स्कूटर पे बैठे हुए हैं, तो बैठ गए। अब देखो सही हो गया, नहीं तो एक छोटा बड़ा हो जाता है इनका भी। तो चलते हुए चलिए, मज़ा उठाते हुए अंकल का, क्या कह सकते हैं। तो चलो पहुंच गए हम लोग फुलवाड़ी गोलम्बर। यहाँ पे थोड़ा सा रश रहता है, तो यहाँ से बता देते हैं किधर से रास्ता जाता है आपको डायरेक्ट एम्स के लिए। यहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा, एम्स जानीपुर अकबरपुर दानापुर खगौल सब जगह का ऑटो मिल जाता है। तो यहाँ से ये सीधा रास्ता आपको लेके चल जाएगा फुल एम्स, और ये भी रास्ता जाता है। तो चलिए ये रास्ता से हम जाते हैं, उस रास्ता में बहुत कचरा है, पानी थानी लगा हुआ रहता है, गाड़ी गंदा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से, जहाँ से हमको टर्न लेना है वहाँ पे। तो जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मिलते हैं। तो आ गए हम जहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से एम्स के लिए रास्ता कटता है और सीधा आप अरवल, सीधा एक रास्ता जो कटता है वो अरवल औरंगाबाद सब जगह जाता है, और सीधा आप जा सकते हैं आरा बक्सर, जहाँ जाना है चल जाइए, दानापुर होते हुए चल जाता है। तो ये रास्ता भी अपना आ गया है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग वीडियो का मज़ा उठाइए।
यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं सरकारी ज़मीन है या प्राइवेट। प्राइवेट होगा तो अपार्टमेंट या होटल बनाएगा, सरकारी होगा तो पता नहीं क्या बनाएगा, अपार्टमेंट ही बना रहा है। एम्स हम पहुँच गए हैं तो देख लो ना, इसके जस्ट अपोजिट साइड में एम्स है, पीछे साइड, और हम लोग एम्स पहुँचने वाले हैं। तो एम्स का रास्ता इधर से कट जाता है गोलम्बर के पास से, तो ये DAV वाल्मीकि स्कूल है, तो यहाँ अच्छा खासा पढ़ाई होता है, पता नहीं सब तो लफवा ही निकलता है अधिकतर। तो यहाँ से पहुँचने वाले हैं एम्स गोलम्बर, वाल्मीकि DAV पार्क में है। एम्स गोलम्बर के बाद देखो वहीं गए, और यहाँ पे दिखेगा सब ऐसे ही कहीं से भी मोड़ देते हैं, ये देखिए चचा को। तो यहाँ से जो लेफ्ट जा रहा है वो सीधा एम्स निकल जाता है, और जो बताया ना कि एरो आता है यहीं पे आके वो रोड मिल जाता है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट फॉलो सारा कुछ कर दीजिए। और ये रोड आपको अरवल लेके चल जाएगा, तो अरवल जाना है तो ये नहर पकड़े हुए सीधा आप अरवल जा सकते हैं।